हेलो, माय नेम इज़ मोहम्मद मजीद मंसूरी। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ और मैं लखनऊ में प्रॉपरली अपने स्टूडियो पे आर्ट वर्क करता हूँ। जनरली मैं एक कैजुअल फॉर्म के ऊपर वर्क करता हूँ, जैसे कि बिल्कुल कैजुअल होते हैं, जो अपनी सहजता को बता रहे होते हैं कि मैं कितना सहज हूँ। तो आप अभी देख रहे हो, मैं एक पीकॉक ड्रॉ किया हुआ हूँ जो अपनी सहजता को दर्शा रहा है लाइनों पर। और मैं कोई अपनी पेंटिंग्स में किसी प्रकार की कोई हिस्ट्री या इस तरीके की पेंटिंग्स नहीं करता हूँ। मैं मेरे पेंटिंग्स में थोड़ा सा सोशल इफेक्ट्स होते हैं, वो कभी कभार ऐसा होता है, बट तो मैं जो पेंट कर रहा होता हूँ वो केवल और केवल पेंटिंग या केवल ड्राइंग है, उनका अदर किसी चीज़ के लिए उसका मायना नहीं होता है। मैं अपनी ड्राइंग्स में किसी भी चीज़ में कैजुअलिटी को ड्रॉ करता हूँ, जैसे कि कैजुअलिटी में भी मैं एब्स्ट्रैक्शन पे ध्यान देता हूँ कि मेरे लाइंस जो होते हैं वो एब्स्ट्रैक्शन के प्रभाव को दर्शाते हैं, और उस जो उसका अमूर्तन होता है, जो एब्स्ट्रैक्शन होता है, वो केवल मेरे पेंटिंग के ड्राइंग में या पेंटिंग्स में नहीं होता है, उसके विचारों के साथ भी मैं उतना ही अमूर्त और एब्स्ट्रैक्शन में जाता हूँ। जिस तरीके से कि एक पिकॉक मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, तो पिकॉक को ओनली फॉर नॉट अ पिकॉक, दिस इज ओनली फॉर पिकॉक फॉर्म। ये केवल एक फॉर्म है जिसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ या पेंट कर रहा हूँ, तो उसके भाव लगातार चेंज होते रहते हैं, डायरेक्टली डायरेक्टली इनडायरेक्टली काम करते करते के कभी वो ह्यूमंस के भाव भी व्यक्त करती हैं, कभी एक जानवर के भाव भी व्यक्त करते हैं, तो वो लगातार उस चीज़ों को व्यक्त करते रहते हैं। और मैं उसमें लगातार एक्सपेरिमेंट भी करता रहता हूँ, जैसे कि एक बैंडेज का यूज़ मैं इस टाइम पे कुछ टाइम से कर रहा हूँ अपने फॉर्म्स के साथ। तो जो वो बैंडेज यूज़ कर रहा हूँ, तो उसका एक मीन्स है कि मैं बैंडेज यूज़ क्यों कर रहा हूँ। जैसे कि बैंडेज यूज़ कर रहा हूँ तो इस टाइम पे जो ऑल ओवर इंडिया में जिस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, वो अपनी हिंसा को दर्शा रही हैं, तो वो केवल एक ह्यूमन हिंसा नहीं है, केवल की तो मानव हिंसा हो, वो वैचारिक हिंसा भी है। तो जो वैचारिक हिंसा है उसको मैं एक अमूर्तन के थ्रू अपने पेंटिंग्स में लेके आता हूँ, और एक अमूर्त भाव में उसको व्यक्त करता हूँ। वो सारी चीज़ों में होती हैं, चाहे वो पेंटिंग्स हो, एनीबडी जो भी चीज़ें होती हैं। तो मैं लगातार अभी पेंटिंग के लाइंस पे काम कर रहा हूँ, रफ लाइन पे, जो बिल्कुल रैंडलिंग लाइन होती है, जो अपनी बिल्कुल कैजुअलिटी को, सहजता को दर्शाती है। और मैं पेंटिंग्स में कलर्स के साथ जो काम करता हूँ, वो केवल कलर्स होते हैं मेरे, जो लोगों के भाव को आनंदमय करते हैं।